नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे YouTube की पेमेंट प्रोसेस के बारे में। तो YouTube की पेमेंट के प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले थोड़े YouTube के टेक्निकल बेसिक्स जान लेते हैं। तो जैसे भी कोई भी YouTube पे चैनल स्टार्ट कर लेता है, तो सबसे पहले चैनल स्टार्ट करने के बाद उसका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो YouTube पे ओवरऑल व्यूज़ जो है आपके चैनल के, वो 10K व्यूज़ कम्प्लीट होने चाहिए। वो 10K व्यूज़ कम्प्लीट होने के बाद आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बना सकते हो, गूगल एडसेंस का अकाउंट यूट्यूब से लिंक कर सकते हो, आपके चैनल पे जितने भी वीडियोस है उसका मोनिटराइजेशन ऑन हो जाएगा और वहां से आप आपका अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट बनता है वो यूट्यूब पे $10 कम्प्लीट करना। तो जैसे ही आपके अर्निंग्स जैसे जैसे होते जाएंगे आपके यूट्यूब पे डेली अर्निंग्स बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही $10 कम्प्लीट हो जाएंगे, $10 कम्प्लीट होने के बाद YouTube वो $10 Google AdSense के अकाउंट में 11 तारीख को भेज देगा। तो वो जो $10 है वो 21 तारीख तक आपके AdSense अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे ही Google AdSense के अकाउंट में $10 क्रेडिट हो जाते हैं, Google AdSense आपको एक लेटर भेजेगा। वो जो लेटर होगा वो इस तरीके से होगा। इस लेटर में एक पिन दिया होगा। जैसे ही आपके $10 कम्प्लीट हो जाते हैं तो Google AdSense का ये जो लेटर है उसके बाद एक हफ्ते में आपको बाय पोस्ट आपके घर पे मिल जाएगा। ये लेटर आने के बाद आपको करना क्या है, ये लेटर आने के बाद आपको सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट चीजें करनी है। Google AdSense का जो भी अकाउंट है उसको आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये पिन बहुत ही जरूरी होता है। ये पिन से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाई भी हो जाएगा और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी लिंक हो जाएगा। और बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपके बैंक का स्विफ्ट कोड लगेगा। ये पेमेंट जो ट्रांसफ़र होता है ये वायर ट्रांसफ़र से होता है, तो उसके लिए आपके आपके बैंक का स्विफ्ट कोड होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर लिंक करते हो वहाँ पर वो स्विफ्ट कोड पूछता है। तो जैसे ही ये लेटर आता है तो आप आपके बैंक अकाउंट में जाके आपका स्विफ्ट कोड पूछ के वो स्विफ्ट कोड रेडी रखे ताकि आपको ये अकाउंट लिंक करते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है कि यूट्यूब पे $100 कम्प्लीट होने चाहिए। तो $100 कम्प्लीट होने के बाद होता क्या है, $100 जैसे ही आपके कम्प्लीट हो जाते हैं तो वो यूट्यूब जो है 11 तारीख को वो $100 गूगल एडसेंस के अकाउंट में भेज देता है। गूगल एडसेंस के अकाउंट में 21 तारीख तक वो क्रेडिट हो जाते हैं। 21 तारीख के बाद 3 वर्किंग डेज में वो आपके पर्सनल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस हमने देखा है, तो सबसे पहले यूट्यूब में डेली बेसिस पे आपके पेमेंट जो है वो डॉलर्स में क्रेडिट होते जाता है। यूट्यूब जो है गूगल एडसेंस को ये पेमेंट भेजता है, एडसेंस जो है वो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट को ये पेमेंट आपके आपका जो भी करेंसी है उसमें वो क्रेडिट कर देता है। तो इस तरीके से ये यूट्यूब का पूरा पेमेंट प्रोसेस है। इस तरीके से आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता क्योंकि जब तक ये प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होता आपके साथ तब तक आपको कोई भी आइडिया नहीं आता। हाल ही में मेरा फर्स्ट पेमेंट हुआ है तो इसलिए मुझे ये सब आइडिया था। तो मैंने सोचा कि अपने जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा, इसलिए मैंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का सोचा और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो या नॉलेजेबल लगा हो तो आप इसे बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते हो, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।